Welcome friends to my other lecture on the teacher on demand series. मैंने पिछले लेक्चर में पूछा था एक क्वेश्चन कलरीमेट्रिक के ऊपर. उसमें मैंने ये पूछा था कि अगर हम बेनेडिक्स टेस्ट करते हैं तो उसके फाइनल रिजल्ट में कलर्स चेंज होता है, जैसे ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड. लेकिन हम इस रिपोर्ट्स को सेमी क्वांटिटेटिव मेथड्स में देते हैं. हम प्लस वन, प्लस टू, प्लस थ्री करके रिपोर्ट्स देते हैं. मेरा सवाल था कि अगर ये टेस्ट ट्यूब को हम कलरीमीटर में डाल के एक रीडिंग ले लें तो क्या इसको क्वांटिफाई करके एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे सकते हैं? क्या ज़रूरी है कि प्लस वन, प्लस टू या प्लस थ्री इस टाइप का सेमी क्वांटिटेटिव रिपोर्ट देना ज़रूरी है क्या? नाउ द रीज़न फॉर दिस इज वी शुड अंडरस्टैंड कि कलरीमेट्री जब करते हैं तो हम एब्जॉर्बेंस मेजर करते हैं. अब्सॉर्बेंस सिर्फ सॉल्यूशंस में हो सकता है. अगर कोई प्रेसिपिटेट है तो वो लाइट को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा. ये लाइट का ऑब्स्ट्रक्शन है और ये अब्सॉर्बेंस नहीं है. प्रेसिपिटेट चाहे लाल रंग का हो, येलो कलर का हो या ग्रीन कलर का हो, ये लाइट को पास करने नहीं देगा, लाइट को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा. दिस इज़ नॉट एब्सॉर्बेंस. जब हम बेनेडिक्स टेस्ट करते हैं तो जो कलर दिखता है इट्स एक्चुअली अ प्रेसिपिटेट. अगर आप इसको सेंट्रीफ्यूज करके देखेंगे तो ये सारे प्रेसिपिटेट नीचे बैठ जाएगा और आपका ऊपर का सॉल्यूशन जो ओरिजिनल बेनेडिक्स कलर का ब्लू था उस टाइप का रह जाएगा. नाउ व्हाट हैपेंस अगर सॉल्यूशन है तो ये है इंसिडेंट रे. इंसिडेंट रे जब सॉल्यूशन में पास होता है तो सॉल्यूशन लाइट को अब्सॉर्ब करता है और जो बाहर निकलता है वो एमिशन रे है जो कि इंसिडेंट रे से कम है. ये हमारा फोटो डिटेक्टर सेल में पढ़ के उसका ऑप्टिकल डेंसिटी दिखता है. नाउ अगर प्रेसिपिटेट है तो हमारा लाइट जो जा रहा है वो अब्सॉर्ब नहीं होता है, या तो रुक जाता है या दाएं बाएं बिखर जाता है. जो थोड़ा बहुत लाइट बाहर निकलता है दैट इज़ नॉट एब्जॉर्बेंस. वो दिस इज़ बिकॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लाइट. इसीलिए इसको हम क्वांटिफिकेशन के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं. हाँ, एक टेक्निक है जिसको हम टर्बिडोमेट्री और नेफ्लोमेट्री करते हैं जो मेजर करता है कि कितना प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है और उससे भी एक कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं. वो मेरा एक अलग वीडियो होगा. अगर आपको याद है एक फोलनवूज मेथड होता था ग्लूकोज एस्टिमेशन करने के लिए. शायद ये सबसे पहला मेथड था ग्लूकोज को एक एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू देने का. ये टेस्ट भी बेनेडिक्स टेस्ट के प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है. जब ग्लूकोज को हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करते हैं तो एक प्रेसिपिटेट आता है. क्योंकि ये प्रेसिपिटेट है इसको डायरेक्टली हम कलरीमीटर में नहीं ले जा सकते हैं. इसको सॉल्यूशन में भरने के लिए हम एक सेकेंड रिएजेंट यूज़ करते हैं, फॉस्फोमोलिक एसिड. फॉस्फोमोलिक एसिड Cu2+ से रिएक्ट करके उसको Cu2+ में कन्वर्ट कर देता है और खुद फॉस्फोमोलिब्नस एसिड बन जाता है जो ब्लू कलर का है. अब यहाँ पे हमने एक प्रेसिपिटेट को दोबारा सॉल्यूशन में लेकर आए हैं. जब ये सॉल्यूशन बन जाता है फिर हम इसको कलरीमीटर में डालकर रीडिंग्स ले सकते हैं. सो द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू अंडरस्टैंड इज कलरीमेट्रिक टेस्ट कैन बी डन ओनली ऑन सॉल्यूशंस. इफ़ यू हैव अ प्रेसिपिटेट वो लाइट को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, लाइट को अब्सॉर्ब नहीं करेगा. इसीलिए हम कलरीमेट्रिक टेस्ट इसके ऊपर नहीं कर सकते हैं. अगर हम इसके प्रेसिपिटेट का रीडिंग लेना चाहते हैं तो पहले उसको एक सेकेंड रिएक्शन में डालना है जिससे वो सॉल्यूशन बन जाए और फिर उसका रीडिंग ले सकते हैं. एक और टेक्निक है जिसको हम टर्बिडोमेट्रिक मेथड या नेफ्लोमेट्रिक एनालिसिस देते हैं, जिसमें हम ये प्रेसिपिटेट्स को भी क्वांटिफाई कर सकते हैं. लेकिन वो एक टोटली अलग टेक्निक है जिसका एक अलग वीडियो होगा. फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू माई वीडियो. प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी इन माई ईमेल आईडी. आई वुड ऑल्सो लाइक टू गेट सम फीडबैक्स अबाउट माई लेक्चर. अगर आपको कुछ सुझाव है या अगर आपको कोई टॉपिक्स का रिक्वायरमेंट है तो आप प्लीज़ मुझे लिख के दे सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.